To be here today with Sartak Educational Trust, celebrating 15 years of working with and supporting the Divyangjan community. This is something that we share as a value and an aspiration between our two countries, between India and the United States, to support the inclusion of everyone in society and ways that in both of our countries we can activate and bring the Divyangjan community into the economy, politics, society. It's going to make our countries stronger and reflect those values that we aspire to around the entire world. Sir, what would you
So, सबसे पहले मैं अपना जो सार्थक टीम है उनको बधाई देना चाहूँगा 50th एनिवर्सरी के लिए, और जिस तरह से उन्होंने 15 साल में काम किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है देश में। ये जो मूवमेंट शुरू किया है कि किस तरह से जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए मेन स्ट्रीम में, हम टाटा पावर की तरफ से इनके साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। पिछले 7 सालों में हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इनके जो चलते हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे वहाँ पे लोगों को काम सिखाया जाए। इसके साथ साथ हमने जो अभी एबिलिम्पिक्स हुआ था गेट्स इन फ्रांस में, उसमें हमने उनको सपोर्ट किया था, और हमारे बच्चे वहाँ पे किस तरह से मेडल्स जीत के आए हैं, और विजिबिलिटी बढ़ गया है, आज एस्पिरेशनल हो रहा है और भी लोगों के लिए कि आप यदि डिसेबल्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, दिवांग हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, आप कहीं पे भी जाके आप मेडल जीत सकते हैं, अच्छा काम अपना कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एसोसिएशन रहा है, पार्टनरशिप रहा है, और ये आगे भी हम उनके साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम इस मुहिम को आगे ले जाएं। और जो इनिशिएटिव है स्पेशली ओलंपिक्स का, जो ये इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है 2027 में, उसमें हम उनके साथ जुड़ेंगे और किस तरह से हम लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ इन दी नेक्स्ट ओलंपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सार्थक, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम है, एंड फ्रॉम वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम सार्थक्स विजन एंड मिशन दे हैव केप्ट टू इट। ये बहुत कठिन काम है, और हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से चाहते हैं, मैंने हमारे चेयरमैन को भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक स्किल सेंटर है, और स्किल सेंटर में हम बहुत सारे स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, तो हम डिजेबल्ड को भी देना चाहते हैं, जो PWD के जो भी लोग हैं उनको भी हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे आके या इनके ई लर्निंग के माध्यम से भी हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसकी बातचीत चल रही है हमारी उनके साथ, जो शायद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वी विल बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन एंड इंट्रोड्यूस ऑल दोज कोर्सेज वॉट एवर वी कैन फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। With the permission of my chairman, I would like to I would like to say that this is a great initiative, और इस ऐसे initiatives को हमारी पूरी World Trade Center की team है इनके साथ, जो भी वो करना चाहते हैं यहाँ पर आके वो हम करने के लिए बहुत खुशी से करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जो इनिशियटिव लिया गया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सर कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली सपोर्ट। सबसे पहले तो सार्थक का मैं आभारी हूँ कि हमको मौका दिया उनके साथ जुड़ने का, तो जब हमको मौका मिला है तो बहुत अच्छा मौका दिया इन्होंने, हमें उचित समझा कि हमें ये मौका दे, हम इनके लिए जो भी हो सकता है करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है उधर, ये जैसे PWD के अभी रूपा ने कहा वैसे उनके आदमियों को हम ट्रेन करेंगे, और किस दिशा में और ट्रेन करना चाहिए और उनको और क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो आगे बढ़े और अपने आप में सक्षम हो सके आगे जाके, ये मेन बात है। फिजिकली चैलेंज्ड को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हम फिजिकली कुछ हमारे में डिसेबिलिटी है, तो उनको ये महसूस नहीं कराना और उनको और उत्साह दे के ऐसे दिखाना कि वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो रेगुलर वर्कर्स सिर्फ 18 या 19 कर सकते काम, और ये 22-23 पीसीस कर सकते, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि इधर आके वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में उससे भी ज़्यादा कर सके और आगे बढ़े, और हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो भी इनको उम्मीद है हम इनको निराश नहीं करेंगे। 15 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको। सर ये इनिशिएटिव के बारे में बताइए, 15 साल की जर्नी के बारे में बताइए कि सर कैसे सोचा था आपने, और अब जो है इतने साल के बाद इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जुड़ रहे हैं, तो जैसे कालरा सर ने बताया इनिशियल में कि पहले मैं डेंटिस्ट था 2004 में, आंखों का विजन जाने के बाद जब खुद रियलाइजेशन हुआ कि दिव्यांग लोगों के लिए
लाइवलीहुड का चैलेंज था, एक भी कंपनी उनको नौकरी देने को तैयार नहीं थी, तो ये लगा कि एक ऐसा संस्था बने जो कि उनको रोज़गार दे। तो 2008 में जब सार्थक बनाया, शुरुआत में मुश्किल था प्राइवेट कंपनियों को अवेयर करना, क्योंकि उनका था कि पॉलिसी नहीं है, वो सब चैलेंजेस थे। बट टॉप टू बॉटम अप्रोच से हमने कुछ कंपनियों को तैयार किया, उनके CEO से बात करके IT, BPO, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी में, फिर वो धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ा। फिर हमने देश भर में रोज़गार मेले किए, तो करीब 3,000 लोगों को नौकरियां मिली, 100 कंपनियां तैयार हो गई। और फिर देखा कि जो दिव्यांग लोगों का जो एजुकेशन था वो स्किल से मैच नहीं कर रहा था, तो हमने फिर स्किल सेंटर स्टार्ट किए। तो अभी हम लोग 25 स्किल सेंटर्स 20 राज्यों में चला रहे हैं और 60,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार मिल गया। बट हमें लगता है कि ये छोटा सा भी एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा काम है। 100 मिलियन हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग दिव्यांग हैं, तो उनको पहुंचने के लिए फिर हमने 2016 में एक प्लेटफॉर्म बनाया छोटी संस्थाओं का, जिसको हम आइडिया बोलते हैं, ताकि उनको हम ट्रेन कर रहे हैं पिछले 3 सालों में, उनकी ट्रेनिंग करके कि जो सार्थक का इफेक्ट था उसको हम 1,000 गुना कर दें। तो मकसद ये है कि हर दिव्यांग जन को एम्पावर करें अपने सार्थक के साथ और सार्थक के पार्टनर्स के साथ, ताकि ये भारतवर्ष हमारा इंक्लूसिव हो जाए। सर, अभी जो इनिशिएटिव लिया है ज्ञान सारथी नाम का, उसके बारे में बताइए कि कैसे यूजफुल होगा जो डिसेबल्ड है उनको, और कितना काम आएगा सर उनके रोजमर्रा। एक्चुअली ज्ञान सारथी का जन्म कोविड में हुआ, क्योंकि बोलते हैं ना कोविड एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह आया दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग होने लगा। पहले मुश्किल था, बट धीरे धीरे करके बच्चे अडॉप्ट कर गए ट्रेनिंग में, फिर उनको ऑनलाइन काम भी मिला, तो बहुत एक पर फिर हमें लगा कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे हम स्ट्रीमलाइन करें, पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर करें, कि ताकि उसमें उनका एक ऑनलाइन ही असेसमेंट हो जो कि मॉनिटर्ड रहे, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉनिटर्ड रहे, उसके बाद ऑनलाइन उनका असेसमेंट हो, फिर ऑनलाइन ही ट्रेन। तो उस पूरे प्रोस्ट्रक्चर को जब हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे 2020 में, तो हमने पाया कि पूरे विश्व में ग्लोबली कोई इस तरह का सॉल्यूशन नहीं है, ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन नहीं पाया। फिर हमें लगा कि इसकी रचना की जाए, इसको बनाया जाए, और फिर उस शुरुआत में हमने 2020 में इसकी शुरुआत की। हमारी कंटेंट टीम 2016 से ही काम कर रही थी, बट उन्होंने भी फिर 2020 से इसके अकॉर्डिंग, मतलब ELMS के अकॉर्डिंग कंटेंट पे काम करना शुरुआत किया, और धीरे धीरे करके हम लोग इस सॉल्यूशन तक पहुँचे। और इसका मेन मकसद है कि हर तरह की चीज़, मतलब अगर एक दिव्यांग बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसकी थेरेपी भी ELMS के थ्रू मिल जाएगी। वो बड़ा होता है, जब स्कूल में प्राइमरी में जाता है तो वो भी स्कूलिंग भी कर सकता है, और हर तरह का दिव्यांग, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पेल्सी का बच्चा, फिर वो बड़े स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब तरह की स्कूलिंग हो जाएगी उसकी, फिर स्किल एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, रिहैब भी हो जाएगा। और ये हमने जब 20 साल जब हम फ्रांस गए तो पाया कि वहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, लैटिन अमेरिका, उनके यहाँ सिचुएशन और पैथेटिक है हमारे यहाँ से, तो हमने उनको बताया तो वो देवर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मेरे को लगता है ये ELMS, हमें लगता है कि ज्ञान सारथी जो है माइलस्टोन होगा दिव्यांग लोगों के जीवन के लिए, जीवन में आने वाले वर्षों में ये जो है हमारे देश के गांव के दिव्यांग को और इस तरह के कंट्रीज़ के दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से पूरी बहुत सपोर्ट करेगा उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर, साथ ही हमारे देश से 13 लोग गए थे, उसमें से 7 लोग मेडल लेके आए। सर, ये एक मतलब प्राउड की बात है कि इतना अच्छा कर सकते, तो आगे आने वाले समय में और भी मतलब हम लोगों को भेजेंगे तो और भी मेडल जा सकते हैं हमारे देश को। सर, क्या कहना चाहेंगे जो फेलिसिटेट किए गए हैं? हाँ, तो ये हमारे 13 दिव्यांग बच्चे थे जो फ्रांस में पार्टिसिपेट किए 10th इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, और उसमें से जो 7 बच्चों को मेडल मिला, ये बड़ी गौरव की बात थी। और इससे प्रभावित होके आई थिंक उन्होंने और दिव्यांग लोगों को भी और हमारी भारत सरकार को भी प्रभावित किया। और अब हम लोग 2027 में जो 11th इंटरनेशनल ओलंपिक्स है उनको होस्ट करेंगे देश में, सरकार की भी तैयारी है। और जैसे टाटा पावर से डॉक्टर सिन्हा जी आए थे, और कॉरपोरेट्स भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा मुहिम है जो कि एक एवरेज जो गांव के बच्चे के लिए भी है, जैसे इसमें पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग, टेलरिंग के भी ट्रेड्स हैं, तो वो ये तरह से हाई स्किल्स भी हैं और लो स्किल्स भी हैं, ताकि हर गांव के भी और अर्बन दोनों दिव्यांग को ये इंक्लूड करता है। 45 प्रकार के स्किल हैं, तो ये अब हम अगले 4 वर्षों में इसी तरह का मूवमेंट पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लाएंगे, ताकि एक बड़ी टीम तैयार हो जो कि इंटरनेशनल जब होस्ट करें तो उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ गांव के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए, रूरल के बहुत सारे लोगों को अभी टच करना बाकी है, सर उसके बारे में क्या व्यूज? तो ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल ओलंपिक्स में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही हैं। पहला कि
इस बार जब मेज में 32 देशों ने अपनी भागीदारी रखी थी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, हम 27 में प्रयत्न करना चाहते हैं कि कम से कम 50 देश उसमें भागीदारी रखें। एक भारत के लिए ये बड़ा अचीवमेंट था मेज फ्रांस में कि उन 32 देशों में, 40 देशों की अभी भागीदारी है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन में, भारत उसमें प्रेजेंट नहीं था उनके गवर्निंग बॉडी में। सिर्फ 8 देशों के मेंबर्स उसके गवर्निंग बॉडी में थे। इस बार भारत का चुनाव उस गवर्निंग बॉडी में हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2023 में भारत के लिए। दूसरा, भारत एक और टारगेट कर रहा है कि जापान, जो उसका प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन का, वो अगले 4-5 साल के लिए रहेगा, लेकिन जो आज के समय में फ्रांस उसका वाइस प्रेसिडेंट है, उसको हटा करके भारत उसका वाइस प्रेसिडेंट से नेतृत्व करे। तो ये एक दूसरी मुहिम जो हम चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए इंटरनेशनल कंट्रीज़ की जो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दिव्यांगता ऐसी चीज़ है जो विश्व में हर एक कोने में है। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं देखते, नज़रअंदाज करते हैं। क्या भारत उनके लिए एक विश्व गुरु की तरीके से कामयाब एक लीडर बन सकता है? तो शायद हम उस पर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुद्रा लक्ष्मी हमेशा मान्य है। और आज के दिन में कॉर्पोरेट्स ने एक चीज़ समझ ली है कि भारत जिस तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, उसी हिसाब से कंपनियां भी प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन अगर वो सोसाइटी को अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे छूट जाएंगे। तो इसलिए CSR के फंडिंग कॉर्पोरेट्स नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन को देने के लिए बहुत तत्पर हैं। इसीलिए अपना कीमती समय निकाल करके टाटा पावर ग्रुप ने आकर के अपना समर्थन जताया, और इसी तरीके के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हाथ थामेंगे, और शायद NAIA इंटरनेशनल ओलंपिक्स का जब होगा 27 को, तो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेगा और इसको ऐसा ऑर्गेनाइज करेगा कि विश्व देखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।